मुझे दो रोटी देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तो मैंने ये व्यवस्था बनाई। ये भी एक औरत थी, विधवा थी, ये भी टहलती घूमती थी, भूखी प्यासी मरती थी। तो हमारा दोनों का ऐसा संपर्क बन गया कि अब भी वैसे घूमते हो तो हम भी घूमते, दोनों का हमारा शादी हो जाए तो अच्छा, हम भी दो रोटी खाएं, तुम भी दो रोटी खाओ, आराम से ऐसे अपनी जिंदगी बिता लेंगे। यही हमारा कहने का मतलब थोड़ा था। और बाकी बच्चे किसके साथी होते, बेटी बहू किसका होता है, कौन क्या इस उम्र में शादी के, क्या बच्चों की सहमत से की आपने? सब बच्चों की शादी सहमत से सब हुआ है, सबकी सहमत से पूरा हुआ है, कोई नाराजगी नहीं। सबसे प्रधान जी से, पूरा बीडीसी से, पूरा गांव से, बच्चों से, बहू से, बेटा से, पूरे ठीक परिवार हुई से पूरी सब सहमत हुआ, सब सबकी सहमत से हुआ। आपने शादी के लिए कैसे सोचा? हमने सोचा कि गली गली भटक रहे, शादी कर लेते एक जगह। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ।